अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रियल रेट में थोड़ा सा मज़ीद इजाफा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज 20 मई 2021 और जुमरात का दिन है। आलमी मार्केट में आज डॉलर ऊपर जाने की वजह से सऊदी रियाल का इंटर बैंक रेट भी थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो रेट में तब्दीली के बाद आज नया सऊदी रियाल रेट क्या चल रहा है और कौन सा बैंक आज कितना रेट देगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें और मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो आज हम शुरुआत फौरी बैंक से करेंगे। तो फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 40 रुपये 37 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 17 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 36 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 30 रुपये 82 पैसे का। अगर बात हो जाए वेस्टर्न यूनियन का, तो वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 40 रुपये 46 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 16 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 39 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 30 रुपये 98 पैसे का। अगर हम बात करें अल राजी बैंक के बारे में, तो अल राजी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 40 रुपये 10 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 28 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 41 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 30 रुपये 16 पैसे का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेस मनी के बारे में। तो एक्सप्रेस मनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 40 रुपये 20 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 25 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 30 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 30 रुपये 15 पैसे का। इसके अलावा बारी आती है मनीग्राम का। तो मनीग्राम पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 40 रुपये 44 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 29 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 41 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 31 रुपये। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एएनबी टेलीमनी के बारे में कि ये क्या रेट दे रहा है। तो एएनबी टेलीमनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 40 रुपये 32 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 31 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 30 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 30 रुपये 70 पैसे का। अगर बात हो जाए इंजाज बैंक का, तो इंजाज बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 40 रुपये 36 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 20 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 35 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 31 रुपये 45। अगर हम बात करें एनसीबी क्विक पे के बारे में, तो एनसीबी क्विक पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 40 रुपये 20 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 24 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 32 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 30 रुपये 60 पैसे का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं सऊदी इरसाल के बारे में। तो सऊदी इरसाल पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 40 रुपये 42 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 25 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 30 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 30 रुपये 70 पैसे का। अगर बात हो जाए रियाद बैंक का, तो रियाद बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 40 रुपये 0 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 16 पैसे। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एसटीसी पे के बारे में कि ये क्या रेट दे रहा है। तो एसटीसी पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 40 रुपये 46 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 16 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 39 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 30 रुपये।